डेफिनेशन दिया बेहद के वैराग वृत्ति, जो बाप को प्यार, जिससे बाप को प्यार नहीं उससे हमको भी प्यार नहीं, याद है इसके ये बाबा ने बताया था बेहद के वैराग वृत्ति, मतलब जो बाबा को अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है, जो बाबा को अच्छा नहीं लगता है वो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। आज उसी को बाबा ने और आगे बढ़ाया और डिटेलिंग बताई कि किसको बेहद के वैराग वृत्ति कहते हैं। और तपस्या 1990 को 90 तपस्या वर्ष भी डिक्लेयर किया था बाबा ने, तो इसलिए तपस्या के ऊपर भी बाबा की मुरली चली है। चलो हम बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 1522 रिवाइज डेट है 13-12-90। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल में स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, बस वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। एक ही गीत है बच्चों के दिल में, मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहां इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य है। कौन से? मेरा बाबा। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गाई नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मनाई नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज है। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते मधुबन में, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सभी की याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलहने भी सुन रहे हैं और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुणा ज्यादा याद प्यार भी दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाप भी चाहते, बच्चे भी चाहते हैं, फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में, सुनो, साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में, साकार से भी, वहां की स्पीड तो ज्यादा है, संकल्पों की गति से काम चलता है ना, कहीं अगर रॉकेट की गति से काम चलता है तो हम क्या कहते हैं, बहुत पावरफुल है भाई, बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड, तो संकल्पों की स्पीड क्या होगी, और उस स्पीड से बाबा कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में न सिर्फ एक दो वर्ष लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं।
तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पार्ट बजाया? अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पार्ट बजाया? समान बनाने के लिए। वैसे भी एक फायदा है ना, एक जन तैयार हो जाता है तो क्या करता है फिर, वो दूसरे को मदद कर सकता है ना, भाई तुम्हारी बैग पैक करने में सब कुछ हेल्प हो सकती। तो ब्रह्मा बाप व्यक्त अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? अव्यक्त से व्यक्त में आए, मतलब वहां बैठे बैठे कैसे बाबा प्रेरणा दे रहे हैं ना सबको। तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? हाँ, वो अव्यक्त से व्यक्त में आए। व्यक्त से अव्यक्त में, तो व्यक्त से अव्यक्त बनना है ना। प्रदीप भाई इसको लोएस्ट पे कर दो टेबल को। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हैं, मना रहे हो ना, 1991 तपस्या वर्ष डिक्लेयर किया था। तो हर एक को चार चार घंटा सेंटर पे जाके योग करना होता था एवरीडे। याद है कौन था 90 में थे बत्रा भाई आप? 1991, एक साल लेट हो गए। तो एक एक रोज 91 में वहां सेंटर पे जाते थे और 4 आवर्स टारगेट होता था। तो बाबा कहते इसके लिए तपस्या, ये दिसंबर की मुरली है ना, बाप दादा को हर्ष है कि मेजोरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है, माइनॉरिटी ऐसे सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक है प्रोग्राम से करना क्योंकि तपस्या वर्ष डिक्लेयर किया, और दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे मैं किस में हूं, ये प्रोग्राम है तो करेंगे ही, और अपने उमंग उत्साह से पूछ करना। जनरली हम किस में खोते हैं जनरली प्रोग्राम होता है तो चलो भाई आज अब भट्टी है तो बैठेंगे ही, अपने आप अपने दिल से भट्टी करना। समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। परिस्थितियों के प्रमाण, उन्नति के प्रमाण और तीव्र गति की सेवा के लिए, और रिटर्न अगर देना है, चार बातें में तपस्या अति जरूरी है। आपको याद है 1991 में बाहर की जो कंडीशन थी, गल्फ वॉर 91 का ही तो था, गल्फ वॉर जो हुआ था उन दिनों, गल्फ वॉर भी चल रहा था और इधर तपस्या वर्ष चल रहा था, 91 का ही था क्योंकि हमको याद है वो, मतलब वहां वॉर तेज होता था, हमारा फिर तपस्या इधर सेंटर पे जाके करते थे, वो तेज होता था। तो इस समय बाप दादा तो प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, ये भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा सैंपल, बाप दादा समान बनना है। इस समय बाप दादा ये देखना चाहते हैं इसमें कोई में कोई निकलता है। चाहना सभी की है लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या का अंतर है।
इच्छा तो सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले, क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है, क्योंकि तपस्या बहुत तैयारी की, मतलब बहुत तपस्या के ही क्लासेस होते हैं। अब 91 के क्लासेस सुनो, सारी तपस्या तपस्या के ऊपर, हर कोई महारथी के क्लास उसके ऊपर होते थे। तो बाबा कहते हैं तो चाहना तो सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले, इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है, तपस्या कब हो सकती है, सब तरफ से। मतलब एक होता है हम सोचते बैठना योग में, लेकिन हमारे सारे जो दुनिया में जो फिजिकल जो बताते हैं तपस्या है, योग है, भगवान से प्यार है, उन्होंने फिजिकल बताया है कि तपस्या मतलब चलो किनारा करके बैठ जाओ, योग मतलब भी फिजिकली बैठ जाओ। हमारा लेकिन सारा उनका फिजिकल है और इसलिए लिमिटेड है, ड्यूरेशन वाइज है, और हमारा है लाइफस्टाइल। योग भी क्या है, योगी लाइफस्टाइल, तपस्या लाइफस्टाइल। तो तपस्या वाला, तपस्या का लाइफस्टाइल, उसका सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य। अर्थात अब बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशन किसको कहेंगे, अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, नो किनारा। क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया, कहीं भी मेरी डिपेंडेंसी है, जो पिछले बार की मुरली में था, प्रभावित होना, वो आत्मा बोले, योग कराए, क्लास कराए, या वो आत्मा साथ हो तो करे, ये सब किनारे पकड़े हुए, और तपस्या अर्थात सारे किनारे को छोड़ा हुआ। तो क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया, समय प्रमाण प्यारे बने, और समय प्रमाण तो फर्स्ट है चारों ओर के किनारे को छोड़ देना। अच्छा, तो अब वो कैसे छोड़ने के सिम्टम्स क्या है, समय प्रमाण प्यारे बने, और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण, सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए। अभी कहां क्लास कराओ, बहुत अच्छा लगा लोगों को, लेकिन फिर कहां कि नहीं अब योग में बैठ जाओ, तो अब मुझे कोई भी ये वाला याद ना आए, उस प्रीवियस एक्टिविटी या प्रीवियस कोई भी फीलिंग्स के प्रभाव में रहना, तो उस समय फिर इमीडिएटली न्यारे नहीं बनेंगे, हो सकता है टाइम तो लग जाए, न्यारे तो बन जाएंगे। तो सेकंड में बाबा कहते अभी प्यारे बने, और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण, सेकंड में ड्यूरेशन, एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होता है, बुद्धि न्यारे से फिर प्यारी बन जाए, प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतना न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार है, लेकिन न्यारे बनने में सोचते हैं। इन्वॉल्वमेंट और डिटैचमेंट, इन्वॉल्व होना इजी हो गया और न्यारा बनना उतना ही ड्यूरेशन लगे। अब योग से इमीडिएटली अगर मुझे कोई सेवा दी जाए या कोई भी एक्टिविटी कर लेते हैं ना, ड्राइविंग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, और योग में बैठते वो पूरी एक्टिविटी स्टॉप, या जिस समय सोचा कि अब मुझे बाबा को याद करना है, अब वो पूरी एक्टिविटी, तो इन्वॉल्वमेंट और डिटैचमेंट दोनों का ड्यूरेशन एक जैसा हो, पर ये भी नहीं है कि दोनों को ही टाइम लगे, वो भी रॉन्ग। सेकेंड का
न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही, तो जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार है, न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए, न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, न्यारा बन जाए, फीलिंग से बियॉन्ड हो जाए, उस बात की फीलिंग से किनारा हो जाए, न्यारा बन जाए। तो यही है, दादी को पूछा था ना, जानकी दादी को, तुम क्या पुरुषार्थ करते हो? एक बार किसी बहन ने बोला, मैं फीलिंग्स को क्लीन रखती हूँ, न्यारा बनना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, किनारे को सहारा बनाए पकड़ना आता है, किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय प्रमाण द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। तो प्यारा बनना, न्यारा बनना, किनारों को छोड़ना, किनारों को सहारा बनाना, ये सब तो हम सब जानते ही है ना, किनारों को सहारा बनाना। अगर वो ऐसा है तो मेरा योग लगता है, तो मेरी स्थिति ठीक होती है, अगर ऐसा नहीं है तो स्थिति ठीक नहीं होती है। ये सब किनारों को, डिपेंडेंसी। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है। सेकंड, अब ये पूरा किनारे के ऊपर पूरा पैराग्राफ चल, तो कितने मीनिंग्स हो गए किनारे के? नो किनारा, किनारे को नो सहारा, किनारे को सहारा बनाना, किनारे में सोचना, न्यारे बनने में सोचना, और दूसरा इंचार्ज बनना और दूसरों की बैटरी को चार्ज करना। इंचार्ज बनना तो आ जाता है, लेकिन बैटरी को चार्ज करना। अच्छा, नेक्स्ट, सफलता की, तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है। पहला था बेहद के वैराग वृत्ति, और बेहद के वैराग वृत्ति में न्यारे बनना, किनारे को छोड़ना, तो पहला मीनिंग वो है। सेकंड मीनिंग, एक शब्द का पाठ पक्का रखो, पक्का करो। दो तीन लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तो तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। एक एक शब्द, वैसे सबसे न्यूमरोलॉजिकल वर्ल्ड में भी सबसे इजीएस्ट नंबर कौन सा है लिखने में? जीरो से भी वन, कुछ भी नहीं है। तो एक शब्द, दो तीन लिखना मुश्किल होता है। तो तपस्या अर्थात, तो तपस्या इजी है या डिफिकल्ट? एक लिखना है, इधर एक लिखना है। वैसे भी बहुतों को खुश करो बहुत मुश्किल है, एक को खुश करना, बहुतों को खिलाना बहुत मुश्किल है, एक को करना, हर बात में वो तो वैसे भी सहज है ना।
तो एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय बनना, तपस्या अर्थात, तो तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एक के सारे डेफिनेशन, तो एक का बनना वन ए, एक नामी, एक का बनना मतलब एक नामी, दूसरा मन बुद्धि को एकाग्र, तीसरा एकांत प्रिय, एकांत प्रिय, सॉलिट्यूड अच्छा लगे, मतलब अगर कोई नहीं है वो मुझे बहुत अच्छा लगे। कभी कई होते हैं ना पर्सनालिटी, अगर घर में बस्ती नहीं है ना तो मन खाने को डॉटता है, वो घर खाने को, एकांत प्रिय का नेचर हो, कुछ कोई भी नहीं है बहुत अच्छा लगता है, तो एकांत प्रिय, तपस्या अर्थात, फिर नेक्स्ट फोर्थ, स्थिति को एकरस रखना, और तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, बचाना अर्थात इकोनॉमी से चलना, एक नामी इकोनॉमी, प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, कैसे? कभी-कभी ज्ञान की भी बात है, अगर कोई नहीं सुनना चाहते हम सुनाते जाए वो भी वेस्ट, उसका ऊपर से जा रहा है, तो हर, चाहे वो खुशी है चाहे, इनको व्यर्थ से बचाना, सफल करना, राइट क्वांटिटी में। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना, पांच डेफिनेशन हो गई ना, एक नामी इकोनॉम, एक नामी, एक रस, एकाग्र, एकांत प्रिय, और हाँ मन बुद्धि को एकाग्र करना। एकाग्र करना हो गया, एक का बनना, तो एक नामी इकोनॉमी, दो हो गए और फिर बाकी तीन। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना, एक का पाठ मुश्किल है वा सहज है? वैसे भी नॉर्मली भी एक को ठीक करना इजी है, एक का पालन, बच्चा कहते हैं एक बच्चा ही काफी है, मतलब गिवन द सर्कमस्टेंसेस और जो भी इन्फ्लेशन, मतलब हर चीज में एक, तो एक, और वो एकदम सरल हो, जल्दी मानने वाला, जल्दी एग्री करने वाला हो वो एक, तो और इजी हो जाता है ना। तो तपस्या अर्थात है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना, बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए, दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे, बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हैं, अगर मोहब्बत से नहीं किया वह थोड़ा थोड़ा किया तो क्या होगा, ये किनारा छोड़ना, एक का बनना, ये समय के पहले, समय पर तो ये सब करने ही पड़ेंगे। कोविड था, कौन साथ में था किसका, जब भी अफेक्टेड हो गए तब उसमें क्या काम आया, वो एक का नेचर ही तो काम आता था, नहीं तो लोग डिप्रेशन में चले गए कई तो, और वो ट्रॉमा हो गया कि हॉस्पिटल में अकेला, बहुत कुछ बातें थी। तो बाबा कहते उनको समय कराया और मजबूरी से करना ही पड़ेगा, बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता, मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। कितनी एक एक बाबा की पोइटिक और डेप्थ है स्टेटमेंट में, मजबूरी से करने का फल और मोहब्बत से करने का फल, मजबूरी से करना, समय ही ऐसा है,
या मतलब कोई भी चीज को हम हमेशा कहते एज के कारण छोड़ना, परिस्थिति के कारण छोड़ना, बीमारी के कारण छोड़ना, वो छोड़ना नहीं हुआ, वो मजबूरी हुई, भाई बीमारी हो गई, अब तो फिर ये सब ज्यादा खाना पीना नहीं अच्छा लगता, ये सब चीज छोड़ो। लेकिन मोहब्बत, मोहब्बत से छोड़ना, मुरली सुनी बस छोड़ा, ये नहीं फिर बाद में कोई किसी ने कुछ कहा किया या कुछ ऐसा सिचुएशन आई फाइनेंस की फिर छोड़ा, मुरली सुनी और छोड़ दिया। तो बाबा इसलिए कह रहे क्रॉस, तो मजबूरी को कहां से क्रॉस करना पड़ेगा, मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है, छोड़ना तो दोनों को पड़ेगा। और ये भी बाबा ने क्लियरली कह दिया करना तो पड़ेगा ही, वो सिचुएशन आएगी कि पता चलेगा ये कोई मेरे साथी नहीं है, तो बाबा इसलिए कह रहे। तो मजबूरी वालों को कहां से क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। क्रॉस करना तो क्या पसंद है, मोहब्बत से करेंगे, पूछ रहे बाबा, मोहब्बत से करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। आज रियलाइज करो कि वास्तव में ना कोई मेरा साथी नहीं है, फिर कोई थप्पड़ मिलता है, फिर रियलाइज करो अब मुझे उससे बात करने का दिल नहीं होता है। तो बाबा कहते क्या पसंद है, बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे, अभी एक और मुरली चलेगी उसकी, ऐसे तो जानने में होशियार हो ना, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं, एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहां पड़ती थी, चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहां पड़ती, जहां डायरेक्शन देना होगा और जहां आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब है, सुनाया ना कॉमन बहने आती थी लास्ट स्टेजेस में, अभी परसों ही तो हमने सुना संतरी दादी का लास्ट स्टेज बाबा की क्या थी, साइलेंस में, बाबा हर बात में साइलेंस में चले, तो सेवा समाचार भी सुनाते थे बाबा, उतना ही सुनते थे जितना जरूरी। फिर बाबा ने, मोहिनी बहन बताती है ना, बाबा ने कहा उन दिनों, ये 60s की बात है, वो बाबा ने कहा कि दिल्ली में स्थान हो, बहुत प्रोमिनेंट जगह पे हो, एम्बेसी के सामने हो, मतलब आसपास एम्बेसीज हो, अगर ऐसा स्थान कोई चूज करे तो बाबा वो पूरा भाड़ा बाबा देगा, मतलब ऐसे मोटिवेट किया। लग गए वो मोहिनी बहन, गीता बहन जी सब करने में। फिर मिला वो स्थान, यू नो साउथ एक्स था पहले, साउथ एक्सटेंशन, तो फिर वो आए मोहिनी बहन बाबा के सामने बताने को, बाबा ऐसा है, ये है वो है, रिंग रोड पे था ना वो साउथ एक्स, तो 10 मिनट लगाया एक्सप्लेन करने। बाबा ने कहा, बाबा ने एक मिनट में समझ लिया, उनको फील हुआ कि मैंने ज्यादा बोला। तो बाबा का लास्ट स्टेज में जहां जरूरत होती थी उतना ही बाबा की नजर पड़ती थी। तो साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर सोते ही कहां पड़ती थी, जहां डायरेक्शन देना होगा, जहां आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब है लेकिन नहीं भी देखते है, जानते भी है नहीं भी जानते है, जो आवश्यक नहीं वह न देखते हैं न जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वो फिर कभी सुनाएंगे। नोट कर रहे हो क्या सुनाने वाले बाबा नेक्स्ट?
किनारों की लिस्ट और क्या देखते बाबा बच्चों के क्या क्या खेल देखते। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग वृत्ति में रहना, सहज है ना, किनारों को छोड़ना मुश्किल है, क्या कहेंगे सभी? ऑनलाइन किनारों को छोड़ना मुश्किल है, अवेयरनेस की जरूरत है दीदी, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट तो नहीं हुए? नहीं, अगर समझ आ जाती है तो छोड़ना सहज हो जाता है, बिना अगर जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ही चिपके रहेंगे। हाँ, तो अब तो समझ, और समझ में क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता। अरे जब पता है कि टाइम पर ये आत्मा धोखा दे सकती है, कोई भी आत्मा का, संकल्पों की, स्थिति की, शरीर का, कुछ भी भरोसा नहीं, धोखा दे सकती है, तो फिर अब क्या समझना बाकी है? और जरूरी थोड़ी है खुद पर बीते तब समझे, बगल के कमरे वाले कुछ नहीं कर पाए, घरों में सब रहते हुए कोई कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी कहीं भी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि वो फिर कभी सुनाएंगे, तपस्या करना। अच्छा, खेल तो बहुत अच्छा करते हैं, तपस्या करना, बेहद की वैराग वृत्ति में रहना सहज है ना, किनारों को छोड़ना मुश्किल है क्या? लेकिन बनना भी आपको ही है, कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है। इस कल्प के नए बच्चे, एक साल वाले, इस कल्प के नए बच्चे कितने हैं? 1, 2, 3, तीन ही है, बाकी सब अंदर बैठे हैं। 4, 5 काफी है, बड़ा ग्रुप है। तो इस कल्प के नए बच्चे, एक साल तक नए, एक साल के बाद फिर पुराने हो जाए, जिसका एक साल बियॉन्ड हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं चांस मिलने की खुशी है ना, मेजॉरिटी नए हैं, तो नए बच्चों का 13 दिसंबर की मुरली, तो उस समय नए बच्चे थे, मेजॉरिटी नए है, टीचर्स पुरानी है, तो टीचर के क्या, टीचर क्या करेगी, वैराग वृत्ति धारण करेगी ना, किनारा छोड़ेगी, कि उस समय कहेंगे कि करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें? किनारा छोड़ने का कोई भी आत्मा से, व्यक्ति से, वस्तु से किनारा छोड़ना, अगर ये प्रैक्टिस हम करें जो हम करते हैं बाबा के टेबल पर, याद है ना सबको वो प्रैक्टिस, सब सब कुछ रोज देते रहो, इमीडिएटली हुआ बाबा आपके पास, आपको रियली ये ट्राई कर ही रहे होंगे, लगेगा नहीं कि अरे अगर अभी भी शरीर छोड़ दे, कुछ हो जाए, कुछ ऐसा हो, सेफेस्ट हैंड्स में है और राइट यूज हो जाएगा उसका, चाहे वो आत्मा है, चाहे वस्तु है, चाहे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स। क्या अनुभव है मनोज भाई, कर रहे हैं वैसे रोज, कि जब कराते योग में तभी करते, रोज करो। तो बाबा कहते किनारा छोड़ना है ना, कि ओके बाबा रेडी हुआ, ये कर दिया, दे दिया, ट्रस्टी, मैं रेडी हूं, मुझे डर नहीं है। तो बाबा कहते किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है, कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले, तो चांस मिलने की खुशी है ना, जो भी चारों ओर के बच्चे, तो करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो? टीचर्स को बाबा कह रहे, करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो? जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं, हिम्मत रखिए, और हिम्मत रखिए तो
मदद बाप की सदा है ही है। इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उठते चलो। बाबा की स्टेटमेंट्स में ग्रामर की एक्यूरेसी देखो। हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उठते चलो। मदद का अधिकार अनुभव करते हुए बाप मदद देते हैं लेकिन लेने वाले लिए हिम्मत किस में चाहिए? छोड़ने में हिम्मत चाहिए, है ना? मेरा कुछ नहीं है ये फील करने में हिम्मत चाहिए। बस फील करना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली सब पकड़ा भी यहीं रखा हुआ है। तो बाबा ये कहते हैं, दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं, तो यथाशक्ति नहीं बनना। यथाशक्ति मालूम है ना, मतलब मेरे में जितनी पावर है उतना मैं बाबा से लेता हूं, वो नहीं चाहिए। जितना बाबा दे रहा है उतना फुल ले ले। सदा सर्वशक्तिवान बनना, तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले सकते, ले लेंगे, ले ही रहे हैं। समझा? सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अष्ट शक्तिधारी, इष्ट और अष्ट होना दादियों को, इष्ट अष्ट। अष्ट की निशानी क्या है? उन दिनों सब दादियां होती थी जब बाबा से मिलते थे, तब 90s की बात है ना, तो सब एक्सेप्ट दीदी मनमोहिनी, चंद्रमणि दादी, हृदय पुष्पा दादी, संतरी दादी और मनोहर दादी, सब सब दादियां थी। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? क्योंकि दादियों को बाबा अष्ट और इष्ट, अष्ट शक्तिधारी और इष्ट, तो अष्ट की निशानी क्या है? मतलब आठ में भी आने वाली, हर कर्म में देखो जिनको भी आठ में आना है लिख सकते हो, हर कर्म में समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण हर शक्ति कर्म में लाने वाली। सुना सभी ने? दीदी रिपीट। हर कर्म में समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण हर शक्ति कर्म में लाने वाले। इस समय मुझे परखने की शक्ति चाहिए, आ गया। इस समय निर्णय शक्ति चाहिए, आ गया। वैसे बस अगर शक्ति या टाइम पर आ जाए तो कोई कर्म रॉन्ग होगा ही नहीं, और कोई कर्म रॉन्ग होगा ही नहीं तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे ही नहीं, कर्म का हिसाब किताब बनेगा ही नहीं, आत्मा स्वतंत्र ऑलवेज। अष्ट शक्तियां इष्ट भी बना देती है और अष्ट भी बना देती है। अष्ट शक्तिधारी हो इसलिए आठ भुजाएं दिखाते हैं, विशेष आठ शक्तियां है। वैसे तो है बहुत लेकिन आठ में मेजोरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थितियों, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थितियों, उसको कहेंगे अष्ट व इष्ट। इस समय शांत रहना है, इस समय बोलना है लेकिन उतना बोलना है। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना दादियों का? विदेश में कितने तैयार है बताया ना दादी जानकी का उस दिन, कि जा रहे थे प्रभावित होने में, याद है? वो जा रहे मोहिनी बहन बैठे है और दादी, इंटरनेशनल योग का टाइम, और
बस, अरे तुम अभी बैठे हो, बस बोला भी चले गए अपना टाइम, वहां पहुंच गए। तो क्या समय, उस समय क्या जरूरत थी? उसमें विस्तार से बात करने की जरूरत नहीं थी, बता भी दिया आप अपना, अनलेस एंड अंटिल कोई हेल्प चाहिए कोई। कभी कभी हम बहुत विस्तार में, भाई मैं लेट क्यों हुआ, बात करते करते लेट हो गया, विस्तार में जाने की नेचर। तो जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति हो, इसको कहते अष्टवाइष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना, विदेश में कितने तैयार है, अष्ट में आने वाले है ना। अच्छा, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा, रात को बाबा मिले सबसे, दादियों से, उसके बाद अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के समय। अच्छा है, जाना तो सबको ही है, आपको पता है ना संतरी दादी ब्रह्मा बाबा की पर्सनल मैसेंजर, लौकिक में तो भतीजा की, भतीजे की युगल विश्व किशोर दादा उनकी युगल, और ब्रह्मा बाबा की पर्सनल संदेशी। बाबा को कभी भी शिव बाबा से कुछ भी पूछना है, संतरी दादी को भेजते थे। और फिर कोई भी वतन में जाता था तो, जैसे ये बहने बताती ना गीता बहन जी, मोहिनी बहन के वतन में, तो बाबा संतरी दादी से वेरीफाई कराता है, देखो वतन में गई है कि कहीं और गई है। फर्स्ट स्टार्टिंग में जब हुआ था तो इतना, कितने बार हमने सुना ना कि बाबा निकल रहे थे, अभी दो दिन पहले ही तो था कि मुरली में बाबा निकल रहे थे, और उस बॉम्बे जाना था, संदेश आया, बॉम्बे जाना संदेश आया, तो वो दादी ये थे। तो बाबा कहते हैं तो अच्छा है, जाना तो सबको है, एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर, अभी जिज्ञासुओं का, जिज्ञासुओं का क्या होगा, मेरा तो नहीं याद आया, याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं, हिसाब किताब चुकतु करने के बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी, सबको अच्छा लगा ना, ऐसा जाना अच्छा है ना। बस अमृत वेले योग में बैठे बैठे आत्मा उड़ गई, पता ही नहीं चला, एक तो संतरी दादी का, दूसरा नहीं नहीं मनमोहिनी दीदी नहीं, चंद्रमणि दादी का, सबसे सहज जो गए थे, सबको अच्छा लगा ना, ऐसा जाना अच्छा है। तो आप भी एवर रेडी हो ना, एवर रेडी हो जाना। और संतरी दादी का सबसे बड़ा त्याग था, पता है, सबसे बड़ा त्याग संतरी दादी का, वो रथनी बनी बाबा, सबसे पहले ऑफर किया था बाबा का, साकार बाबा के बाद रथ बनने के लिए संतरी दादी को, तो उन्होंने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, दादियों ने पहले, क्योंकि वैसे भी संदेशी थी, बोला मुझे सब बाबा की पर्सनल, मतलब कारोबार के बारे में सब कुछ पता है, तो अगर बाबा बाप दादा मेरे द्वारा कुछ भी कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि अरे इसको तो पता है, उन्होंने उस समय रिजेक्ट कर दिया, ये बहुत बड़ा पद को रिजेक्ट किया एक्चुअली। नहीं तो कोई कोई इतना बड़ा पद मिलता है कि भगवान आपके तन में आए, तो बहुत बड़ा त्याग था। अच्छा, कलकत्ता में भी होती थी दादी सेवा में, पार्टियों से, दिल्ली और पंजाब दोनों की सेवा, दोनों ही सेवा के आदि स्थान है, स्थापना के स्थान सदा ही महत्व पूर्वक देखे जाते हैं, गाए जाते हैं, जैसे सेवा में आदि स्थान है वैसे स्थिति में आदि रत्नों, स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना, दिल्ली वालों से मिल रहे, सेवा में आदि स्थान है, दिल्ली वाले नाज है ना,
आदि स्थान है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में, आदि रतन है ना सभी दिल्ली वाले, क्यों, हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, जो भी बाबा ने श्रीमत दी पहले मैं, ठीक है, तब तो आदि रतन है, ठीक है। दिल्ली वाले मेजोरिटी तो दिल्ली वाला ही है सभी, यहाँ हाँ दिल्ली को दादी क्या कहती थी, गुलजार दादी, बाप दादा का दिल। और बोलो बोलो क्या हुआ बत्रा भाई, भूल गए, A1 दिल्ली हर बात में A1 दादी, गुलजार दादी, क्योंकि दादी निमित्त होती थी ना, तो सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं लेकिन करने वाले, क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक है लेकिन करने वाले कोटों में कोई है। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई है, यह रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है, यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है, अभी समझदार बन गए हो ना, माया की भी समझ है, समझदार कभी धोखा नहीं खाते। समझदार का प्रूफ क्या है, एक्चुअली धोखा कब खाते हैं, या तो पहले से पता नहीं हो, परखने की शक्ति नहीं है ना, चीज को परखा ही नहीं। हाँ, जो पहले से पता नहीं है तो फिर धोखा खाते हैं, जो चीज का पता है फिर बाबा ने कह दिया बच्चे एक का पाठ आज अगेन, और फिर भी दिल लगा रहे इसके उसके साथ, और फिर कुछ थप्पड़ मिलती है, फिर कहते अरे। तो बाबा इसलिए कहते समझदार कभी धोखा नहीं खाते, अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे, समझदार और धोखा खा लिया, पता है। एक भाई ने कुछ लॉज मतलब कोई अच्छा बेटा समझो, सॉर्ट ऑफ बेटा, और डॉक्यूमेंट्स में लीगली कर दिया कुछ नाम का, और खुद वकील, और जब कर दिया तो फिर बाद में वो चेंज हो गया बच्चा, फिर लगता है कि अरे क्यों किया, धोखा खाया। तो दूसरे वकील उनको कहते थे अरे आप तो सारे लॉस को जानने वाले आपको तो पता था ना इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, और ऐसे कर दिया, लेकिन क्यों किया उस समय जब पूछा गया, डिवाइन ब्रदर थे, अटैचमेंट उस समय त्रिकालदर्शी नहीं होकर जब काम करते तो क्या होता है, फंसते। तो समझदार मतलब त्रिकालदर्शी होकर कार्य करना, तब धोखा नहीं खा सकते। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना, जब धोखा खाते तो उससे दुख मिलता है, तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या, इसलिए सदा आदि रतन है अर्थात श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। ऐसे हो या देखते हो, पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे, यह नहीं करते तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पहले दूसरा करे उसको देखे वो जा रहा है वो कर रहा है तो हम करेंगे, डिपेंडेंसी। ये सब प्रभावित होने का नेचर है, जो पिछले बार की मुरली चली थी, नहीं आपको जच रहा है बाबा को, बाबा की श्रीमत अकॉर्डिंग है, फुल स्टॉप, और क्या देखना है मुझे। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना,
जब धोखा खाते हो तो उसे दुख मिलता है, इसलिए सदा आदि रतन। यह नहीं करते तो हम कैसे करेंगे, करने में पहले मैं, दूसरा बदले फिर मैं बदलू, यह भी बदले तो मैं बदलू, नहीं। जो करेगा वो पाएगा, और कितना पाएगा, जो करेगा वो पाएगा, कितना मिलेगा उसको, एक का पदम गुण। लेकिन पहले वाली पेज की डेफिनेशन, मोहब्बत से करेंगे तो, मजबूरी से करेंगे तो, बीमारी है इसलिए मैंने स्वीट छोड़ दिया, इसलिए ये वेजिटेरियन होटल का खाना अब नहीं खाते हम, जब से ये बीमारी हुई ना, मिलेगा फल उसको नियम पालन करने का। आजकल मैं बिल्कुल होटल का छोड़ दिया, किसी के घर में भी नहीं खाते आजकल हम। तो फल नहीं मिलेगा ना, कर भी रहे नियम कुछ भी फायदा नहीं, मतलब वो तो करना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं तो उसका पदम गुणा होगा, एक का पदम गुणा, तो करने में मजा है ना, एक करो पदम पाओ, इसमें तो प्राप्ति प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो, बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना, तो ऐसे नहीं करना। मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है, एक्चुअली कभी गाड़ी रॉन्ग रास्ते पे गई फिर वापस उसको, तो टाइम चला जाता है ना उसमें, वैसे ही लेट हो रहा होता है, ये गड़बड़ वहीं होती है जब ऑलरेडी लेट हो रहा होता है। और फिर तो ऐसे नहीं करना, मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का होता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। देखो मोहब्बत के दो फायदे, पहले बताया, भविष्य फल उसका ज्यादा होगा, और दूसरा मोहब्बत हो तो मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। मोहब्बत से करना मतलब, बोलो दीपांशु का, मोहब्बत से करना वो तो रिजल्ट है। आप नेचुरल वे में करोगे, आप करे बिना रह ही नहीं पाओगे। मतलब बाबा ने कहा होगा ही होगा, वो हो जाएगा। कोई परिस्थिति के लिए वेट नहीं कर रहे, किसी के मोटिवेशन के लिए नहीं वेट कर रहे, किसी के रोल मॉडल के लिए वेट नहीं कर रहे। बाबा ने कहा है मुझे करना है, सिंपल है, कंप्लीटली। तो बाबा कहते हैं सफलता हुई पड़ी है तो वो अपनी भुजाओं से मोहब्बत से करेंगे, वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। सुना सभी ने, सभी ध्यान से सुन रहे हैं पदम भाई? कितना अच्छा बाबा का ये प्रॉमिस है, वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। दीपिका बहन क्या करना है, मोहब्बत में बस, बाबा करेगा सेकंड में कार्य सफल कर देगा जो इतना टाइम लगता है।
वो सुना ना आपको, वो कैलाश बेन का अनुभव वतन वाला, कितने समय से वो सेंटर देख रहे थे और बाबा, याद है आप लोग को, है ना? कैसे बाबा ने हमने बुलाया था कैलाश बेन चंदी गांधीनगर वाले को। तो बाबा जब कार्य करता है तो सेकंड में कार्य सफल कर देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो, पक्के अनुभवी हो गए हो, चल ही रहा था ना 84 से 90 की मुरली है वो, राइट्स हुए थे ना, तो पक्के अनुभवी हो गए हो। कोई डरने वाले हो, क्या होगा कैसे होगा, नहीं, वो सेंटर भी जला दिया था ना। देखो बाबा जो कहते हैं ना, हर बात में कल्याण है। ये अभी जो यूक्रेन का जो चला, तो मतलब आज से समझ लो 4 महीने पहले लीव और कीव है, तो वहां पोर्ट्स है ना, वहां तो लीव के जो पोर्ट है वहां बाबा का एकदम पोर्ट फेसिंग बाबा का घर है, तो वो तो वहां की वो सेंटर कोऑर्डिनेटर अगलाहा बहन है, तो 2.5 महीने पहले मतलब आज से 3.5 महीने पहले समझ लो, उसको कहां गया, वो मकान मालिक ने बोला कि आपको खाली करना है, पुराना सेंटर, बड़ा सेंटर और पूरा बहुत बच्चे बाबा के, बोला नहीं 8 डेज में खाली करो और मुझे इसको बेचना है। ठीक है, बोल दिया तो फिर तो कर दिया खाली, और हार्ट ऑफ द सिटी ऐसे संकल्प तो चला कि एकदम 8 डेज में, और फिर दूसरा तो हार्ट ऑफ द सिटी में फिर दूसरा सेंटर ले लिया 8 डेज में, और उसके 1 महीने बाद फिर वॉर शुरू, बॉम्बिंग हुई, और सबसे पहला बॉम्ब वो बिल्डिंग में पोर्ट के फेसिंग था वहां लगा, पूरा खत्म, सत्यानाश। तो क्या हुआ, जब ये संकल्प रहता है ना कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है ये संकल्प होता है, तो कोई भी कार्य कोई भी होता है, कुछ भी हुआ तो डरेंगे नहीं, कैसे होगा क्या होगा, श्रीमत अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो राइट ही होना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो डरने वाले तो नहीं हो, क्या होगा कैसे होगा, उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो ना, कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए, चाहे ज्ञान नहीं दो लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी तो शांत कर देते हैं। अच्छा, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं, सभी ब्राह्मण हो, दूसरे ग्रुप से बाबा मिल रहे, न कि राजस्थानी, न महाराष्ट्रीय, न मध्य प्रदेश, सब हमारा कल्चर कौन सा है, ब्राह्मण कल्चर, सब एक हो ना। इस समय सभी मधुबन निवासियों, ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है, सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो, यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी, इसलिए सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हैं, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर है, ज्ञान चाहे कोई सुने या न सुने, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है, तो दोनों ही सेवाएं करना आता है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप
शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। और सबसे इमीडिएटली तो भावना ही चेंज हो जाती है, फिजिकली हम फिर भी लविंग हो सकते हैं, आओ आओ बैठो बैठो, आओ भोजन करो, इमीडिएट तो भावना तो चेंज हो ही जाती है। और बाबा कहते हैं जैसे वो दादी जान के कहता ना, लास्ट टू गिव अप, लास्ट टू गिव अप, गिव अप ही नहीं करना है। तो शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते, कैसा भी हो लेकिन कुछ न कुछ अंचली जरूर दो, चाहे पक्का रावणी चाहे, देखो बाबा क्या कह रहे, कैसा भी हो लेकिन कुछ न कुछ अंचली जरूर दो, चाहे पक्का रावणी क्यों ना हो। ऐसा कुछ गलत किया, बाबा कहते शुभ भावना शुभ काम कैसे हो सकता है, सबके सामने इंसल्ट किया, इतना बुरा किया, मैंने जबकि इतना अच्छा किया, हो सकता है? करते रहते हो जाए इजी है, क्या संकल्प चाहिए उसके लिए। नहीं वो वर्ड्स की बात नहीं है, दीदी जो दिमाग में ये रहता है करण करावन हर बात है, मैं निमित्त हूँ, फिर हो जाता है। एक्चुअली उस समय शुभ भावना मेरी बरकरार रहे, उसमें एक तो कल्याणकारी की फीलिंग कि नहीं इसमें भी बहुत कल्याण, और दूसरा बाप के साथ की फीलिंग 100% लगे बाबा साथ है, दिखाई दे रहा है, इसमें रेस्ट भावना इसलिए चेंज हो जाती है ना कहीं, हाँ वो तो कोई गाली देता है तो उनके मुख से क्या निकलता है, तो कई माताएं कहती है ना हमारे संबंधी तो वो पक्के रावण है, बदलने वाले नहीं है, तो क्या करना है, ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंचली जरूर। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है, ये ब्रह्मा कुमारिया है तो ब्रह्मा बाप को याद करते हैं ना, चाहे गाली भी देते हैं लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं ना, फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना, चाहे जाने वा न जाने आप फिर भी उनको अंचली दो। ऐसी अंचली देते हो, सबसे डिफिकल्ट ही है शुभ भावना अगर उस तरीके से देखा जाए, शब्द तो इजी है, हम उनके शादी पे भी चले जाएंगे, इवेंट्स में भी चले जाएंगे, लेकिन नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे को भी अंचली दो, ऐसे अंचली देते हो जो या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो, छोड़ना नहीं, सुना कौन है दीपिका बहन, क्या बोला बाबा ने, नहीं सुना, छोड़ना नहीं, नहीं तो क्यों नहीं छोड़ना, पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उलाना देंगे, हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया, सुना गुलाब भाई, बाबा क्या कहते वो कहेंगे, उलाना देंगे, तो मिलता ही है, हाँ हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया, तो कान पकड़ेंगे ना, आप देते जाओ, कोई ले या न ले। शुभ भावना कैसे दे, उसने मुझे इंसल्ट किया सबके सामने, शुभ भावना दो, भावना फीलिंग्स, देखो संकल्प भी शुभ होना इजी है, फीलिंग्स शुभ हो, अच्छा सोचेंगे, एक्टिंग
ड्रामा में पार्ट है। ये महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। हिसाब किताब चलो कुछ था, अभी कंप्लीट वो वापस मिल रहा है, अभी कंप्लीट हो गया। बहुत सारे पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं छोड़ना नहीं। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते, कोई पूरा लेते, कोई यथाशक्ति लेते, फिर बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा, क्यों नहीं लेते हो? तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना, जो वो अच्छा कहे फिर आप दो। मैंने आपको कुछ हेल्प किया, उसने मेरी महिमा की, फिर मैं और हेल्प करूं तो क्या हो गए? लेवता हुए। लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। देखो उसने किया फिर मैंने, तो ये भी लेवता हुए। आप देवता बनने वाले हो ना, देवता ही चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है या सिर्फ प्रेस रह गई है? देवता ही चोला, देवता ही चोला सामने दिखाई देना चाहिए। इसलिए वो देवियों के लिए बताते ना, ऑलवेज ऐसा या ऐसा, ये नहीं कहते ये तो असुर है, हाथ नीचे कर लो थोड़ा। आज फरिश्ता कल देवता, कितनी बार देवता बने हो? कितनी बार? नंबर्स, अनेक बार। और देवता बनने वाले हैं, अनेक बार किया हुआ है। जैसे सपोज भाषण बहुत बार किया हो, उसको क्या लगता है? कभी भी बोल बिठा दो उसको, कुछ नहीं, इतना तैयारी करनी पड़ती है ना, स्टेज फियर है। यही याद रखो, अनेक बार दिया है और बनने वाले हैं। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले। आज की बहुत बड़ी मूवी, फोर्थ पेज है। मान मिले, रिगार्ड दे तो दूं, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले। ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है कभी ज्यादा? अभी माया को विदाई नहीं दी है, धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है। एक तो आए भी देरी से हो। सुना, जो भी देरी से आए और फिर वैसे ही लेट हो गए निकलने में घर से, और ऊपर से ट्रैफिक मूवमेंट, गाड़ी भी स्लो चले, और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सके। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। दीदी हमेशा बताती है कि फास्ट, जैसे नशा चढ़ा उस समय वो कार्य कर लो। शाम तक भी सोचेंगे ना ये करना है, ये पुरुषार्थ करना है, ये सफल करना है, शाम तक वो डाइल्यूट हो जाएगा कि नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना। आप लकी हो, उड़ने के टाइम पर आए हो। सुना सभी ने, जो भी अभी आए हैं, लेट आए हैं, कहाँ है राजू बहन? बाबा क्या कह रहे, लकी हो, कितना बना बनाया माल मिल रहा है आप लोग को, सबको पूरे रेडीमेड वीडियोस देखो। और पहले थोड़ी था, पहले कुछ किया थोड़ी था। बाबा कह रहे हैं उड़ना फास्ट है ना, तो सदैव अपने को ऐसी अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसा दे, कपड़ा दे, खाना दे, दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है। मांगने वालों को नहीं मिलता। दाता बनो तो, अविनाश भाई, दाता बनो तो
आप ही मिलता रहेगा। देते जाओ क्यों? एक्चुअली जब हम देते हैं ना, हम सोचते मैंने इसको दिया ना ये मेरी मदद करे, मुझे मदद मिल जाएगी किसी से भी, ये सारा कैलकुलेटिव नेचर है ना, वो प्रॉब्लम देते हैं। मिलती तो है, फिर कभी कभी लौकिक में जैसे होता है ना, सब कुछ है, आज बिजनेस सेट भी है, उसने मुझे वो भाई ने घर से निकाला, फिर मैंने मतलब मेहनत की, ये किया, सेटअप हो गया, लेकिन आज तक वो बात जाती नहीं है। कारण क्योंकि उसने क्यों नहीं दिया भाई मुझे, मैं तो सेट हो गया ना, चाहे कैसे भी हो। तो वो इक्वेशन सब जगह लागू होता है, थोड़ा सा भी मदद करो या बड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं दाता बनो, आप ही मिलता रहे। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण के रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के, वैसे आज वरदानी है, सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद ओवरफ्लो तो नहीं हुआ। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। संडे मतलब रेडी। वरदान है यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्वशक्तियों से सदा संपन्न रहना, परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसलिए कर्मयोगी, कोई भी कर्म, इसलिए कर्मयोगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्वशक्तियों का ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। इसलिए वो बाबा का जो हमने पुरुषार्थ किया, 100% याद 100% सेवा, मतलब जितना कर्म उतना याद, स्टार्टिंग में एंडिंग में भी नहीं। ये संस्कार चाहिए ना। वापस आज वैसे पुरुषार्थ करेंगे और मोहब्बत से करना, आज का मेन पुरुषार्थ यही करेंगे। स्लोगन है, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। ओके जी, ये थे बाबा के पावरफुल महावाक्य। तपस्या, बेहद के वैराग्य, वृत्ति, फिर मोहब्बत, फिर शुभ भावना, शुभ कामना, एक का पाठ, एकाग्रता, एकांतवासी, सब एक का सहज, हाँ, सरल रहना, शुभ भावना, शुभ काम, देते जाओ। कितना अच्छा बाबा ने कहा कि चाहे रावण भी क्यों ना हो किनारों को छोड़।
हाँ, आज का पुरुषार्थ भी वैसा, किनारों को छोड़ना। और एक जैसे बाबा ने, जितना कर्म उतना याद। वैसे हम कल कर लेते हैं, आज फर्स्ट में है, लेकिन अव्यक्त इशारे कल से शुरू कर लेंगे, ओवरडोज हो जाएगा नहीं तो भूल जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे का नहीं पता मुझे।